प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को रोजगार मेले का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले का शुभारंभ किया। इस माध्यम से नागपुर के रेल विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले उपस्थित हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को रोजगार मेले का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में नागपुर के रेल विभाग में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले उपस्थित हुए थे। इस अवसर पर 75,000 लोगों को एक साथ नियुक्ति पत्र सौंपा गया। पीएम मोदी ने कुछ महीने पहले 10 लाख नौकरियां देने को कहा था और विभिन्न मंत्रालयों से अगले 1.5 साल में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने को कहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 50 स्थानों पर युवाओं को एक साथ 75,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपा। इसके साथ ही आने वाले महीनों में यह संख्या 10 लाख हो जाएगी। इन सभी युवाओं को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में नौकरी मिलेगी। पीएम मोदी के इस अभियान से युवा भी खुश है और उनका कहना है कि सरकार के इस कदम से युवाओं का हौसला बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर आएंगे। रेल विभाग में आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पंत प्रधान नरेंद्र मोदी के इस निर्णय पर उनका धन्यवाद किया। कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कविता के द्वारा पंत प्रधान नरेंद्र मोदी की तारीफ की। देवी और सज्जनों, सबसे पहले आप सभी को, सभी देशवासियों को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। आजादी के 75 वर्ष को ध्यान में रखते हुए 75,000 युवाओं को एक कार्यक्रम के अंतर्गत नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। बीते 8 वर्षों में पहले भी लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए, लेकिन इस बार हमने तय किया कि इकट्ठे नियुक्ति पत्र देने की परंपरा भी शुरू की जाए, ताकि डिपार्टमेंट में भी एक सामूहिक स्वभाव बने, सामूहिक प्रयास। इसलिए भारत सरकार ने इस तरह का रोजगार मेला शुरू किया गया। आने वाले महीनों में इसी तरह लाखों युवाओं को भारत सरकार द्वारा समय समय पर नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। यानी सातत्याने देशाच्या युवांकरता रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या योजना सुरू केल्या। स्टार्टअप इंडिया, स्टँडअप इंडिया सारख्या योजनांच्या माध्यमातून रोजगाराची निर्मिती करण्याचा प्रयत्न केला। लघु मध्यम आणि सूक्ष्म उद्योगाकरता नवीन पॉलिसी आणून करोडो रोजगाराची निर्मिती केली। आणि म्हणूनच आपण बघतोय ईपीएफओचे आकडे हे दर्शवत आहेत की कोट्यावधी लोकांच्या हाताला काम मिळतंय, रोजगार मिळतोय। पण हे सगळं होत असताना गेल्या 15-20 वर्षामध्ये आपल्या देशामध्ये सरकारी नोकऱ्यावर इस कार्यक्रम में कुल 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपी गई। इनमें से कुछ युवाओं से हमारी टीम ने बात की तो उन्होंने इस नियुक्ति पत्र पर खुशी व्यक्त की। देशात आहे आज नरेंद्र मोदींची हवा आणि एनडीए सरकार आणि भाजप सरकार होती। आता जो दिवस आहे दिवाळीच्या निमित्ताने मी सगळ्या देशात प्राईम मिनिस्टर ऑफिसने मला आता नागपूर येथे सेंटरला दिलं होतं, कारण नागपूर हा जो बिंदू आहे, नागपूर हे जे शहर आहे हे दक्षिण भारत आणि उत्तर भारताला जोडणार अशा पद्धतीचं एक सेंटर प्लेस आहे। आमच्या आंबेडकरी चळवळीच्या दृष्टिकोनातूनही ह्या शहराला अत्यंत चांगलं महत्त्व आहे। बाबासाहेब आंबेडकरांनी या ठिकाणी दीक्षा घेतलेली होती 14 ऑक्टोबर 1956 आणि त्यानंतर 3 ऑक्टोबर 1957 याच शहरामध्ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाची स्थापना झालेली आहे।
त्यामुळे मला हे जे शहर दिलेलं आहे याचा मला आनंद आहे आणि त्यासाठी मी आज इथे आलेलो आहे. वर्षाला 2 कोटी नोकरीचं आश्वासन दिलं होतं. आता काँग्रेस यावर टीका करते की फक्त 75,000 काँग्रेस टीका करते पण आता ज्या सरकारी नोकऱ्या आहेत त्या सरकारी नोकऱ्या तर देण्याचा प्रयत्न आमचा सुरू आहेच आहे. परंतु रोजगार सांगितलं की जवळजवळ 36 कोटी लोकांना आतापर्यंत मुद्रा योजनेचं लोन मिळालेलं आहे. याचा अर्थ असा आहे की कमीत कमी 36 कोटी लोक तरी आपल्या पायावर उभे राहिलेले आहेत. त्यानंतर प्रायव्हेट सेक्टरच्या माध्यमातून अनेक लोकांना नोकऱ्या मिळालेल्या आहेत. त्यामुळं सरकारी नोकऱ्या एवढ्या देणं हे अशक्य आहे. सरकारी बजेट जे आहे त्या बजेटच्या मानाने आपल्याला सगळ्या नोकऱ्या देता येणार नाही आहेत. पण तरीही आता या वर्षामध्ये 10 लाख नोकऱ्या देण्याच्या संबंधाचा निर्णय घेतलेला आहे आणि त्यामुळं 2 कोटी रोजगार म्हणजे सगळे रोजगार, सरकारी रोजगार, प्रायव्हेट रोजगार, स्वयंरोजगार अशा पद्धतीचं जे आश्वासन दिलं होतं आणि ते आम्ही पाळलेलं आहे. गेल्या 8 वर्षामध्ये अनेक लोकांना रोजगार मिळालेला आहे. अभी मैं तो हैदराबाद वाला हूँ. मेरे को पोस्टिंग नागपूर CGWB जल शक्ति मंत्रालय में मिल गया ये ड्यूटी. बहुत आनंद है, बहुत अच्छा है. अभी अच्छा से ड्यूटी कर लेता, फैमिली पूरा अच्छा रहता, बहुत अच्छा लग रहा है अभी. नहीं नहीं कुछ नहीं है, बहुत अच्छा से इंटरव्यू चला, बहुत अच्छा से जॉब मिला, बहुत अच्छा है अभी. मेरे को भी बहुत दिल खुश है अभी. कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पानसी, BCN News नागपुर.